इस वक्त कोरोना टाइम में अपने घर पे लॉकडाउन में हैं या बहुत कम कर पा रहे हैं और जिम या कहीं वर्कआउट नहीं कर पा रहे? यदि हाँ तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और हम आपको बताएंगे कि घर में ही रहकर आप वजन को किस तरह से कम कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सेफ है और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अनसेफ रहेगी। नमस्ते दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी पूरा देश कोरोना की विभीषिका से गुजर रहा है। ऐसे में हम सब लोग जो जिम हैं वो पूरे बंद हो चुके हैं और घर पर ही एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स आती है। काफ़ी सारे लोग गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से वजन तो कम हो जाता है लेकिन घुटने या कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो घर पर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये वीडियो हम लोग आपको इसी बारे में बताने के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम वजन कम करने की बात करते हैं तो जो वजन कम किया जाता है उसमें 90% रोल डाइट का होता है और सिर्फ 10% रोल ही एक्सरसाइज का होता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप अभी घर पर हैं तो जितना हो सके अपने खाने में से आलू, चावल, कार्बोहाइड्रेट, आटा ये सब कम कर दें। शुगर, चॉकलेट इन चीज़ों को अवॉइड करें। मिल्क शेक या आइसक्रीम कम से कम खाएं और इसकी जगह मिक्स ग्रेन आटा, सूप, सैलेड और मल्टीपल ग्रेन वाले जो आटे हैं वो, इस तरह की चीज़ों को, मोटा अनाज ये सब ज़्यादा से ज़्यादा खाएं क्योंकि इससे जो वजन है वो काफ़ी तेज़ी से कम होता है। अब आती है बात एक्सरसाइज की। दोस्तों, हम एक्सरसाइज को दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ होती है ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि हमारा जो वेट है वो घुटनों पे पड़ता है, जिन्हें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कहते हैं, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे घुटनों पे और एड़ी पे वेट नहीं पड़ता, जिन्हें वेट शेयरिंग एक्सरसाइज कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इस वक्त नहीं करनी है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज उन्हीं लोगों के लिए सही रहती है जिनका वजन 60 या 65 किलो के करीब होता है। उस वक्त आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से दोस्तों मेरा मतलब है जंपिंग जैक, रस्सी कूदना, जंप लगाना, या फिर जिसे कहते हैं कि आप स्टेयर्स सीढ़ियाँ उतरना या चढ़ना, या फिर जॉगिंग, इस तरह की जो एक्सरसाइज है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज होती है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे बड़ी बात है कि परफेक्ट फ्लोरिंग का होना। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज हमें या तो घास पे करनी चाहिए या मिट्टी पे या सॉफ्ट ज़मीन पे या फिर ट्रेडमिल पे या वुडन फ्लोरिंग पे। अगर आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं घर के अंदर और आप हार्ड सरफेस पे खेलते हैं, टाइल्स पे खेलते हैं, तो आप चाहे कितने भी अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहनिए उससे आपके घुटनों को नुकसान पहुँच सकता है। इसी प्रकार से अगर आप जंपिंग जैक करना चाहते हैं तो आपके लिए घास या मिट्टी ही सही रहेगी। अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि या घास, मिट्टी, कच्ची ज़मीन पे या ट्रेडमिल पे ही करें। अब इस वक्त लॉकडाउन में इस प्रकार की सरफेस मिलना मुश्किल है तो इस प्रकार की एक्सरसाइज को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग छत पे ही वॉकिंग या जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, छत जो होती है वो सीमेंटेड होती है, काफ़ी हार्ड टाइल्स की बनी हुई हो सकती है। ऐसे में जब अपन जंपिंग या रनिंग ऐसी सरफेस पे करते हैं तो घुटनों को डैमेज पहुंच सकता है और ऐसे में आपके जो घुटने हैं बजाय कि आप वेट कम करने के अपने नी पेन के शिकार बन सकते हैं। काफ़ी सारी जगह समाज में ये एक मिथ व्याप्त है कि अगर आप सीढ़ियाँ उतर रहे चढ़ रहे हैं तो ये भी एक्सरसाइज है। लोग दिन में चार चार पाँच पाँच मंजिल सीढ़ियाँ उतर रहे चढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ये किसी भी तरह से अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। घुटनों का 4-5 बार सीढ़ियाँ उतरना आपके घुटनों में कॉन्ड्रोमलेशिया पटेरी कर सकता है, जिसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीढ़ियों को आप 1 या 2 बार तो चढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपके किसी भी प्रकार का नी पेन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीढ़ियाँ ना उतरें। काफ़ी सारे लोग इस वक्त योगा और घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ी मंगा लेते हैं, यूट्यूब पे योगा देख के करना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो योगा और प्राणायाम हमारे लिए अच्छा है लेकिन अगर आपके नी पेन के पेशेंट हैं तो ऐसे पेशेंट्स को पद्मासन, वज्रासन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों को जहाँ तक हो सके कुर्सी पर बैठ के ही प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे बैठना, कई घंटों तक पूजा पाठ में या फिर किसी भी तरीके से आलती पालती बैठ के खाना खाना, इससे घुटनों की जो चिकनाई है वो कम उम्र में ही ख़त्म होने लगती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्रकार के योगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा नी बेंडिंग होती है या घर पे ही स्क्वैट या लंजेज जैसी एक्सरसाइज कम से कम करें। अगर आपके ऑलरेडी नी पेन है तो मेरी सलाह रहेगी ये एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। अगर आपके घर में स्टेशनरी साइकिल है तो दोस्तों साइकिल में इस वक्त सबसे अच्छी एक्सरसाइज काउंट करूंगा। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका पूरा वेट है, जो भी आदमी एक्सरसाइज कर रहा है उसका पूरा वेट साइकिल पे रहता है और सिर्फ उसके नी मूव करते हैं, तो ऐसे में नी को वेट सपोर्ट मिल जाता है और इसलिए इसमें ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता। तो आप दोनों तरह की साइकिल यूज़ कर सकते हैं, या तो स्टेशनरी साइकिल है जो अपने घर में रुक सकते हैं, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार देखते वक्त आराम से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आपके फ्लैट के आसपास अगर कुछ ज़मीन हो तो वहाँ पर आप साइकिल चला सकते हैं। साइकिल एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी। दूसरा, दोस्तों आप इन बातों का भी कुछ ध्यान रखें कि बिना बात अपनी एक्सरसाइज की रेजीम को एकदम से चेंज ना करें, क्योंकि अचानक से जैसे हमें थोड़ा खाली टाइम मिलता है तो हमारा खुराफाती दिमाग सोचता है कि चलो ठीक है फटाफट से 1-2 किलो, 5-7 किलो वजन इसी महीने में कम कर लेते हैं
और इसलिए वो एक्सरसाइज की जो सीमा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इससे उल्टा फ़ायदा तो होता नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है और जो घुटना है वो तेज़ी से घिसने लग जाता है। तो अपनी एक्सरसाइज को ग्रेजुअली बढ़ाएं, अपने डाइट को कंट्रोल रखें, इसके साथ ही दोस्तों विटामिन और कैल्शियम, जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका सेवन करते रहें। डेली कम से कम 1 ग्राम कैल्शियम आपको चाहिए और कम से कम 60,000 विटामिन डी हर 7 दिन में आपको लेना चाहिए। 6 वीक के लिए लेना चाहिए, 6 वीक्स बाद आप 2-3 महीने का गैप दे सकते हैं और फिर लेना चाहिए। विटामिन B12 जिसे मैथिल कोबाल कहते हैं वो भी डेली आपको लेना चाहिए। तो और प्रोटीन की डाइट के लिए अलग से प्रोटीन शेक या महंगे प्रोटीन वे पाउडर मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अचानक से बहुत हाई प्रोटीन डाइट भी आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकती है, जिसके बारे में बहुत जल्दी हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आपके ऑलरेडी यूरिक एसिड ज़्यादा है तो बहुत हाई प्रोटीन का सेवन ना करें। मेरा हमेशा मकसद रहता है कि घरेलू सामान जो घर पर उपलब्ध है उसी को लें, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट को मैं कभी भी अच्छा नहीं मानता हूँ। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि घर पर कोरोना टाइम में रहकर एक्सरसाइज कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कौन सी नहीं? तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे दिखे गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन हमसे इसके बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको ऑर्थोपेडिक की बोन जॉइंट या स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस वक्त हम लोग क्योंकि आप अपने क्लिनिक पे या डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पा रहे किसी वजह से क्लिनिक बंद है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का विकल्प लाए हैं जिसमें निर्धारित शुल्क देकर आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपको दवाइयाँ रिकमेंड करेंगे जो आप अपने नियर पे जो क्लिनिक है वहाँ से मंगा सकते हैं, और कोरोना टाइम में आपको कहीं भी जाकर इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहेगा, घर बैठे ही आपको सारी राय मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।